हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प सीरीज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2018 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इससे रिलेटेड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर एक मैसेज प्रसारित किया गया है। इस मैसेज के अनुसार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थी, अभिभावक, माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि वार्षिक परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र आज दिनांक 19/1/2018 को 2 बजे से समिति की वेबसाइट www.besebihar.com पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही विद्यालय प्रधान सचिव द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड के आधार पर प्रवेश पत्र समिति की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर अपना हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अपने विद्यालय में परीक्षार्थियों के बीच वितरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। आप सभी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि जब भी ये एडमिट कार्ड आपको दिया जाए, आपके हाथ में आए, तो तत्काल उस एडमिट कार्ड पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम एवं विषय सूची की जांच कर ले। यदि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो और उसे सुधार की आवश्यकता हो तो साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनका एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि हो गया है और उन्हें सुधार की आवश्यकता है तो वो दिनांक 19/1/2018 को अपराह्न 2 बजे के बाद से लेके दिनांक 23/1/2018 के बीच अपना सुधार करवा सकते हैं। साथ ही सुधार के बाद छात्रों के बीच वो एडमिट कार्ड पुनः डाउनलोड करने के लिए 24/1/2018 एवं 25/1/2018 को समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही आप सभी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप लोगों का न्यूनतम पैटर्न पर आधारित होने वाले एग्जाम से रिलेटेड 3-4 वीडियो प्रसारित किया गया है, वो भी वीडियो को देखना ना भूले। वीडियो देखने के लिए वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।